तो आप देख सकते हो मैं आज बनाने जा रही हूँ लौकी का ढोकला। तो इसके लिए मैंने लिया है लौकी, कैबेज और कैरेट, और इसके साथ लिया है मैंने हरा धनिया, अदरक और मिर्ची की पेस्ट। और यहाँ पे मैंने सब रूटीन मसाले लिए हैं, और ये है टर्मरिक पाउडर, शुगर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और ये है धनिया पाउडर, और ये है नमक, और ये है ब्लैक पेपर, और यहाँ पे मैंने लिए है नींबू के रस, और ये है मेन इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने लिए है सूजी, और ये है ज्वार का आटा, और ये है बेसन, और ये है गेहूं का आटा। तो चलो अब बनाने के लिए सब रेडी है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब मुठिया बनाने के लिए सब रेडी है, तो अब करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है लौकी, कैरेट और कैबेज, सब मैंने वो क्रश कर लिए हैं, और अब मैं ले रही हूँ हरा धनिया और मिर्च और अदरक की पेस्ट, और अब ले रही हूँ मैंने जो आपको सब आटे दिखाए वो, ये है गेहूं के आटे, सूजी, ज्वार का आटा और बेसन, वो सब इसमें डाल देना है। सब मैंने एक एक कप लिए हैं, तो आप आपको माप से बनाना है, तो आप एक एक कप सब आटे ले सकते हो। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ शुगर पाउडर, हल्दी पाउडर और ब्लैक पेपर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल, और अब डाल रही हूँ थोड़ा सा नींबू का रस। आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, मैंने मेरे स्वाद के अनुसार मैंने सब डाला है। और ये मेन इंग्रेडिएंट्स है ए सोडा, थोड़ा सा चिटिक सोडा डालना है, यानी कि फ्लफी बनेगा। तो चलो ये सब अब मिक्स कर लेती हूँ। और इसमें से मैंने जो सब्जी ली थी उसमें से मैंने पानी नहीं निकाला था, आप चाहे हो तो निकाल सकते हो। तो इसमें पानी ऐड नहीं करना है, तो आप देख सकते हो इसमें पानी ऐड करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही आटा गूंद लेना है अच्छे से। तो चलो मैं आटा गूंदने के बाद दिखाती हूँ कि किस तरह से बनता है। तो चलो, तो आप देख सकते हो इस तरह का दो बना के रेडी करना है, और अब क्या करना है वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल के जरिए से मैंने हाथ को ग्रीस कर लिए हैं, और इस तरह से सब रोल रेडी कर देने हैं। तो चलो मैं सब रोल रेडी कर देती हूँ, इस तरह से आपको बनाना है सब रोल इसका। तो चलो मैं सब रोल बना के लेने के बाद मिलती हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरह से सब रोल रेडी कर देने हैं, और अब इसको मैं स्ट्रीम करने के लिए रख देती हूँ। और स्ट्रीम करने के लिए 20 से 25 मिनट तो रखना ही पड़ेगा, 20 मिनट तो रखना ही पड़ेगा। तो चलो अब आपको दिखाती हूँ कि स्टीम किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टीम करने के लिए मैंने वो ढोकला आता है गुजराती है तो आपको पता चल जाएगा, तो इसमें मैंने पानी डाला है और नींबू डाला है। नींबू इसलिए डाला है कि जो एल्यूमिनियम का होता है
वो ब्लैक ना हो जाए इसलिए। तो चलो अब स्टीम करने के लिए मैं थाली रख देती हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरह से थाली रख देनी है स्टीम होने के लिए। तो चलो अब इसको स्टीम कर देती हूँ। अब इसको 20 मिनट तक खुलना नहीं है। तो चलो मिलते हैं। तो आप देख सकते हो स्टीम होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। और अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडे होने देना है और बाद में कटिंग करना है। तो चलो ठंडे होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से कटिंग करना है। तो इसको मैं अब कट कर लेती हूँ। इस तरह से कट कर लेना है छोटे छोटे पीस में, ठंडा हो जाए बाद में। तो आप देख सकते हो इस तरह से हो जाएगा कट। तो चलो मैं सबको कट कर लेती हूँ, छोटे छोटे पीस में सब कट कर लिए हैं। अब चलो बघार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बघार करने के लिए ऑयल रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने बघार करने के लिए हरी मिर्च और नीम के पत्ते और राई और तिल लिए हैं। तो चलो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है। तो पहले डालते हैं राई, तिल, नीम के पत्ते, सबको मिक्स कर लेते हैं। अब डाल देना है मुठिया। तो अब मैं इसको अब मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से इसको अब मिक्स कर लेना है। और अब गैस को बंद कर दे ऑफ कर देना है। अब सबसे आखिर में डालना है हरा धनिया। तो चलो अब इसको भी मिक्स कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो अब बन के रेडी हो गया है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर घर पे ट्राई करना। तो चलो, और आप बनाने के बाद आपको अच्छा लगा हो तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलो अब कर लेती हूँ सर्व। तो चलो अब मैं इस बाउल में सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्व कर लिया है। अब गार्निशिंग के लिए मैं धनिया डाल देती हूँ। तो अब गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरह से रेडी हो गया है हमारा दूधी का ढोकला। आप जो बोलते हो वो हम तो दूधी का ढोकला बोलते हैं। तो आपको ये कैसा लगा वो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। चलो बाय, मिलते हैं अगले रेसिपी में।